हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी भरवा बैंगन की करी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है, लेकिन इसमें मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल झटपट बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। चलिए फिर झटपट रेसिपी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने 5 बैंगन लिए हैं, छोटे साइज़ के बैंगन लिए हैं। और डंठल देखिए मैंने कैसे काटा है, डंठल को छोटा करके काटा है और साइड का पोर्शन हटा दिया है और ऐसे बैंगन के बीच बराबर 2 कट लगाया है। आप देख सकते हैं कि कैसे किया है, जैसे कि हम मसाला भर सके। ये देखिए सभी बैंगन को मैंने ऐसे कट कर लिया है और काटने के बाद मैंने धोया है, थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रखा था। और यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर चाहिए भुने हुए मूंगफली का पाउडर, यहाँ पर 1.25 कप जितना होगा। और इसके साथ साथ हमें चाहिए मिर्ची पाउडर, मतलब लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून लिया है मैंने। आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिए। स्वादानुसार नमक लिया है मैंने और यहाँ पर लिया है मैंने, देखिए 2 टेबल स्पून कांदा लहसुन मसाला। यह मसाला महाराष्ट्र में अवेलेबल है, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं ये मसाला नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला ले लीजिए। और अभी हम मसाला तैयार करेंगे स्टफिंग, तो एक बाउल में सब कुछ हम डाल देंगे, जो भी मसालों का सामान लिया है हमने, प्याज लहसुन नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही रखिए, बाद में टेस्ट करके हम बाद में भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, कांदा लहसुन मसाला, यहाँ पर आप चाहे तो 1 टीस्पून गरम मसाला ले सकते हैं अगर कांदा लहसुन मसाला अवेलेबल नहीं है तो। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून। और ये है भुने हुए मूँगफली का पाउडर, सब कुछ मैंने डाल दिया है। और अभी अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, हाथ पहले से मैंने अच्छे से धोकर रखा है। देखिए दोस्तों, मसाला बिल्कुल छुट्टा छुट्टा दिख रहा है, मतलब खुला खुला दिख रहा है, तो बाइंडिंग लाने के लिए हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो पानी के जगह पर तेल भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छी बाइंडिंग नहीं आ जाती। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसालों का स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अभी हम बैंगन के अंदर स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए मैंने बैंगन ले लिया साइड में, अभी एक एक बैंगन को लेंगे और इसके अंदर मसालों का स्टफिंग अच्छे से भर देंगे। कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से भरना है। चलिए फिर भर लेते हैं, मैं जैसे दिखा रही हूँ ऐसे ही भरना है। मसाला बिल्कुल नीचे तक जाए ऐसा करके भरेंगे। देखिए दोस्तों, लगभग हो चुका है। मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ ताकि दिखने में बढ़िया लगे, और जब हम डालेंगे तेल में तो ये निकले ना। आपने देखा दोस्तों किस तरह से मैंने मसाला भरा है, और ये देखिए एक बैंगन तैयार हो चुका है। दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सुंदर सा। तो इसी तरह से बाकी बैंगनों को हम भर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सारे बैंगनों को भर लिया है। ये देखिए, और जो भी स्टफिंग बच गया है इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी एक कढ़ाई बिठाया, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, और तेल अच्छा गरम हो जाने के बाद हम यहाँ पर जीरे डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरे डालेंगे, और जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। अभी ये जो मसाला रह गया था, ये मसाला हम यहाँ पर डाल देंगे तेल में।
इतना कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि प्याज अलग से भुना नहीं, लहसुन भुना नहीं, ऐसे सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से ये मसाले का स्टफिंग यहाँ पर डाल दीजिए और तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर हमें 5-6 मिनट के लिए मीडियम टू लो, मतलब लो से थोड़ा सा ज़्यादा हीट करके हमें भून लेना है। हो चुका है, भून लिया है मैंने। और अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये बैंगन डाल देंगे। जो बैंगन हमने भर के रखा था वही डाल देंगे, और डालकर थोड़ा सा मसालों के साथ कोटिंग करेंगे, चला देंगे थोड़ा चम्मच से ताकि अच्छे से कोटिंग आ जाए। और उसके बाद हम ढक ढक कर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। अभी हमें हीट बिल्कुल लो पर रखना है और ढक ढक कर लग मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चलाते ज़रूर रहेंगे और चेक ज़रूर करते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना। देखिए बीच में मैं ढक्कन हटाकर चला दे रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से ढक्कन हटाकर चेक करना है और चला देना है। इसी तरह 2-3 बार करेंगे हम। चलिए चला लिया मैंने, फिर से ढक देते हैं और 3-4 मिनट के लिए हम ढक ढक कर कुक कर लिया हमने। तो अभी हमें इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डालना है। तो जिस बाउल में मैंने मसाला बनाया था उसी बाउल में मैंने पानी लिया है, और हो सके तो यहाँ पर गर्म पानी डालें, लेकिन मैं भूल गई थी पानी गर्म बिठाने के लिए, तो मैं यहाँ पर ठंडा पानी डाल रही हूँ मजबूरन। आप हो सके तो गर्म पानी ही डालें। देखिए थोड़ा सा स्टर कर दिया मैंने, और पानी अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा कम, जैसी ग्रेवी आपको पसंद है, मतलब थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो कम डालिए और पतली पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीच बीच में हम क्या करेंगे, ढक्कन हटाकर ऐसे बैंगनों को फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे, ताकि बैंगन हर तरफ से अच्छे से गल जाए, अच्छे से कुक हो जाए। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ इसी तरह से हम पलट देंगे, फिर से ढक देते हैं और तब तक के लिए वेट करते हैं जब तक कि बैंगन अच्छे से गल नहीं जाते। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर ऐसा करके बदल देना है, साइड चेंज कर देना है। देखिए दोस्तों अभी बैंगन बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, और ग्रेवी जो है, ग्रेवी भी बिल्कुल मेरे मनपसंद की ही है, इससे ज़्यादा गाढ़ा मुझे नहीं करना है। तो बैंगन चेक कर लेते हैं, बैंगन के बिल्कुल डंठल के पास तक बहुत अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं और हमारे भरवा बैंगन की करी बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में आप चाहे तो थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं स्किप कर रही हूँ। और हीट बंद करके थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों कलर कितना बढ़िया है और टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरह से भरवा बैंगन की करी बनाकर आप चाहे तो रोटी भाकरी, मतलब कि जवारी बाजरे की रोटी, चाहे गेहूँ की रोटी, चाहे चावल, किसी के साथ भी खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। खाने में ये लाजवाब स्वादिष्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। और आपने देखा रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।